हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इस साइड पे हम लोगों ने काम लगाया था, तो यहाँ पर हमारे आधे बॉटम कंप्लीट हो गए। तो ये बॉटम, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये बीम है 1.5 फुट का बीम, वहाँ तक सीधा चला गया है, ठीक। और ये साइड से ये बॉटम आ रहा है यहाँ तक, ये 1 फुट का, यानी कि 6 इंची उठ के, इससे 6 इंची उठ के ये बॉटम लगा है, ठीक। देखिए, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें फर लगाएं और कैसे बॉटम लगे। यहाँ से आप लोगों को दिखता होगा, एक ये है और एक ये है 1.5 फुट का, ये ऐसे में सब 1 फुट की बॉटम है, बीम है ये सब टोटल। तो चलिए मैं आप लोगों को पास में आकर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, जब आप 6 इंची उठा के बॉटम लगाते हो तो हमें ये फर लगा लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये है फर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, नीचे तक चला जाए पूरा, कोई दिक्कत नहीं उससे। उसके बाद में नीचे नीचे का निशान होगा, वहाँ से आप उठा दो इसे 6 इंची ऊपर, ये 1 फुट से कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। यहाँ देखो, जैसे कि ये 4.5 आसार है हमारा, फिर ये 72 हो गया 4 इंची, अब नीचे जगह रहेगी खाली, तो यहाँ हमने फिर इस पर भी फर लगा दिया, ठीक, जिससे कि माल नहीं निकलेगा नीचे को। देखो, यहाँ देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि बत्ता लगा दिया, अरे छोड़ो इसे मत लगाओ, खाली बत्ता जल्दबाजी में लगा दो, इससे बाद में क्यों ना, या कट्टा लगा देंगे या कुछ ना कुछ लगा देंगे, तो वाद वाला काम बिल्कुल मत करो दोस्तों। क्लियर नंबर 1 का काम लेकर चलो साथ में तुरंत, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से इसकी साइड लग जाएगी, इधर से आ जाएगी, यह बंद हो जाएगा पूरा बॉक्स। यहाँ देखिए, अभी हमने इसमें बीम, इसमें बल्ली नहीं लगाई है, आगे बल्ली लगा, टोटल कंप्लीट है। पहले सब बॉटम टांग लो, जैसे कि अगर अब बड़ी साइड है, जैसे कि ये फिलहाल है कवर्ड एरिया 4000 स्क्वायर फीट के लिए में है, आधे की बॉटम हमने कंप्लीट कर दी, ठीक। अब इसकी साइडें कंप्लीट करेंगे, साइडें कंप्लीट होने के बाद में चाहे आप इसे ढगाई कर लो, पूरे कंप्लीट कर लो शटर में, अगर आप साइडें करने के बाद में तो आप चाहे इसकी बॉटम टांग लो, लेकिन चलना एक तरफ से ही काम लेकर। आगे इसमें रैच है, रैच तो फिलहाल सब में ही थोड़ी थोड़ी, लेकिन आगे ज़्यादा है, इधर से आकर फिर इधर आया है, फिर इधर घूम गया है, फिर छा पूरा। तो इसमें बीम क्यों है, इसमें बीम इसलिए है क्योंकि यहाँ ये मार्केट है सर, ये सब दुकानें हैं टोटल। चलिए मैं आप लोगों को नीचे ले चलता हूँ, नीचे से दिखाता हूँ। और जैसा कि कुछ लोग दोस्तों क्या करते हैं, जल्दबाजी में ये यहाँ पर उसे अपनी अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तो फिलहाल चूतिया बोलते हैं, इनसे लाफो होता है उसे क्रॉस कट के और सरिये में फांस के, ये वाला वो फांस के, और जैसे कि यहाँ फांस दिया हमने और यहाँ कील मार दी, बॉटम रुक गया, लेकिन वो काम थोड़ा कच्चा रहता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग इसी पे चढ़ के काम करते हो, ठीक है।
बाय चांस वो कील उखड़ गई प्लाई में से, क्या करोगे आप? तार आप बनाओगे, पांच का तार बनाओगे, पांच का तार बनाने के बाद में आप यहाँ लपेटो, वहाँ लपेट के सरिया में क्रॉस मार दो, बॉटम कहीं नहीं हिलेगा आपका और आप बेधड़क काम कर सकते हो उसमें, ठीक। अगर बल्ली हट भी जाएगी तो आपका तार नहीं टूटेगा, ठीक, क्योंकि पांच ये हो गया, पांच तार का ये होगा, दस तार का हो गया टोटल। अगर बल्ली हट भी जाती है तो ये टूटेगा नहीं, और अगर आप क्रॉस वाला लाफ मारोगे अगर बल्ली हट गई तो वो कील उखड़ जाएगी और नीचे बैठ जाएगा बॉटम पूरा। तो आप ऐसा काम ना करें, ज़्यादातर तार ही मारे बॉटम में। और बॉटम अगर आप बनाएं तो सही तरीके से बनाएं, जल्दबाजी में कोई बॉटम ना बनाएं। अब यहाँ पर हमारी साइडें लग गई हैं, कुछ साइडें रह गई लगने के लिए वहाँ पर। अब यहाँ पर इनकी गाबड़ियों को लगाया जा रहा है, ये देखिए। पहले दोस्तों आप जब इसकी गाबड़ी नापें तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जैसे हमारा ये आसार है, यहाँ पर यहाँ कोई बॉटम नहीं है, तार लगा हुआ खाली ये, ठीक। अब ये तार लगा हुआ, हमें अगर गाबड़ी मारना है तो इसमें हमें तार मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। पहली बात तो आप गाबड़ी जब नाप तो सबसे पहले आसार वाली ही गाबड़ी नापें, सबसे पहले आसार की गाबड़ी, क्योंकि आसार की गाबड़ी इसलिए सही रहती है, यहाँ आपने कील मार दी, कील मारने के बाद में ये गाबड़ी आ जाएगी, इससे रोक लेगी यहाँ पर, ठीक। यहाँ तार मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि खोलने में ये दिक्कत होती है गाबड़ी, सबसे पहले जब खुलाई होती है तो गाबड़ी ही खुलती है, गाबड़ी खुलने के बाद में सेट अपने आप ही खुल जाएगी आसान से। तो अगर तार होगा लगा हुआ तो थोड़ी कर्री खुलेगी और टूट भी जाएगी गाबड़ी, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो ये गाबड़ी आपकी यहीं पर रोक लेगी तुरंत, ये आगे नहीं बढ़ने देगी इसको कास्टिंग के समय, क्योंकि यहाँ से आप गाबड़ी लोगे तो बत्ते पर कीले लग जाएगी। यहाँ देखिए तार मारने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो आप इस सेट की आसार तरफ की गाबड़ी पहले नापें। जैसे कि हमने यहाँ पर आसार वाली क्यों नहीं नापी, ये गाबड़ी हमने, आप सोचते होंगे ये आसार वाली क्यों नहीं नापी इधर, तो आसार वाली इसलिए नापी क्योंकि ये वाला बीम है 1.5 फुट का, ये है 1 फुट का, तो सबसे पहले 1.5 फुट की गाबड़ी मारेंगे हम, उसके बाद में लगेगी ये, तो ये गाबड़ी इसलिए पहले। और गाबड़ी आप जब भी काटो तो 5 mm गैप देके ही काटना, जिससे खुलाई में कोई दिक्कत ना आए, ज़्यादा टाइट करके आप गाबड़ी ना बन लगा। वैसे मैं आपको आगे और दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें तार लगेगा, एक तार यहाँ बीच में लग जाएगा, बाकी कील इसमें लग जाएगी और बाकी ये चीज़ यहाँ से रोक लेगी सेट को, ठीक। और आप जब तार मारे तो पीछे की साइड में तो सिर्फ आप ये तार मारें और एक शुरू का तार, ये बीच के तार हैं जो ये खुले हुए छोड़ दें, कील मारने के बाद में इस साइड से कीले मार दें, जब सरिया बंधेगी, सरिया बनने के बाद में जो आउटर साइड मारोगे आप तो ये तार है, ये खोल के ये सब तार उसी में सुराख करके उसी वापसी में तार मार देना, इसी से आउटर साइड रूम। बहुत से क्या करते हैं, इन तारों को, सब तारों को मार दिया, उसके बाद में इसमें सुराख करके तब तार निकालते हैं। मैं तो इस बातों का ध्यान रखें आप। और बढ़िया तरीके से इनके जॉइंट लगाएं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि जॉइंट जब आप साइड मारें तो सबसे बढ़िया इस चीज़ को सॉल्व कर लो और इस चीज़ को सॉल्व कर लो, उसके बाद में ही इस कोने को टाइट कर दो बढ़िया करके,
जैसे कि यहाँ पर है, ये टैट और लेवल देख लिया, दोनों बॉटम साइड ये डाउन ऊंची नीची तो नहीं है, दोनों लेवल है और जॉइंट कर दिए। अगर ये कोई साइड आपकी ऊंची नीची है तो आप नीचे से बॉटम को या जो भी अगर आपको डाउन लग रहा है तो आप उसको उठा सकते हो और डाउन कर सकते हो। ऊपर से रीफ रख के देख लें आप, जैसे कि कोई साइड ऊपर उठा हुई ना हो, जैसे कि यहाँ पर आप वो साइड पीछे ये कम है तो इसको रीफ डाल के देख लें आप। ये गाबड़ी रह गई थी एक दोस्तों, अब बाकी ये गाबड़ी रह गई क्योंकि लाइट नहीं आ पाई, इस चक्कर से ये फंड नहीं हो पाई और ये बल्ली की वजह से वहाँ साइड नहीं लग पाई, क्योंकि ये छज्जे के समय जब छज्जा लगेगा तभी बल्ली निकलेगी क्योंकि बाहर जगह नहीं है रखने की। ये बॉटम है एक फुट का देखिए, और एक ये है बॉटम में एक फुट का।